हमारा फोटो शूट हो चुका है। ये पीछे हमारी गाड़ी जा रहे हैं। ओ अभी तो बूढ़ा तालाब के गार्डन नहीं ना बेटू मस्ती टाइम बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया है। तो गाइस हम लोग अभी मस्ती कर रहे हैं। पसंद आ रहा है इवान? हाँ आगे हाँ आगे और डॉक्टर ने देखा ले ठीक है ओके ठीक है और खाने पे लिखा ले हाँ ठीक है। और इवान बोलो बोलो कि हाँ आपका स्वागत है आपका यहाँ स्वागत है। हाँ मस्ती टाइम विद निक्की में बच्ची टाइम की मालू टू नहीं ना बेटू मस्ती टाइम रुक जा नहीं इवान 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 बेटू 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 मस्ती टाइम विद निक्की में खाला मस्ती टाइम विद निक्की चलो कोई बात नहीं आई लव यू बुआ बोल लो आई लव यू बुआ अपी दोगे तो बोलो आप चलो तो बोलो गाइस मैं बाद में मिलता हूँ मैं चॉकलेट खा रहा हूँ बोलो बाद में मिलता हूँ मैं खाना पीना खाता हूँ खाना पीना देख रहे हो तो गाइस घर पे हैं खाना पीना हो रहा है तो आपको मैं फिर से मिलूंगी। आज इवान कहाँ जाने वाला है? हम के भैया बर्थडे है इवान का बर्थडे इवान का तो जब देखो तब बर्थडे है बस बस है ना तो मिलते हैं गाइस शाम को। तो अभी फाइनल हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा तालाब के गार्डन में हाँ जो कि बंद होने वाला है मुंह देख के और मुंह तक के आएंगे बस गाइस। हम बूढ़ा तालाब के गार्डन में पहुंच चुके हैं और हमारा इवान और एक इवान आपके लिए। तो गाइस अब हम लोग इंजॉय करेंगे वो भी काफी देर के बाद एक्चुअली 7:15 बज गया है। कोई बात नहीं ओपन है ओपन है ओपन है अभी हमें डर इस बात का था कि ओपन होगा कि नहीं पर अब ओपन है अब इंजॉयमेंट करेंगे। गाइस पेरेंट्स लोग जा रहे हैं इवान उधर खेल रहा है अपने वीडियो में और इधर डेंसन है तो अभी जा रहे हैं। तो अभी तो बूढ़ा तालाब के गार्डन में आए गए तो देख रहे हैं अब जो भी एक्स वाई जेड है ना मस्ती के लिए बेचारा इवान जो खेल पाए कहाँ है इवान बाय द वे तो गाइस ये बूढ़ा तालाब का गार्डन है किड्स एरिया बच्चों का तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया है और एंजॉयमेंट भी है और ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है तो अभी वो दिखाती हूँ पूरा एरिया मेरा से ज्यादा अच्छा है तो ये गाइस ये पूरा एरिया है अपना बूढ़ा तालाब का पूरा ये बहुत अच्छा बनाया गया सामने तो आपको मैं दिखाई भी हूँ और सामने ये रोड है एक्चुअली में सारी चीजें है उधर और घूमने के लिए तो उधर और है घूमने के एरिया मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ मैं कहाँ थी फर्स्ट टाइम आई थी चलो ना तो भाई मजा आएगा ना। तो ये मेरी मोटी बहन है ठीक है कैसा लग रहा है दी ओ ये इवान डूडू वाह 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 गाइस अभी देख सकते हो आप सामने फाउंटेन एरिया मतलब फुहारा चालू हो चुका है और म्यूजिक फोन भी चल रहा है मस्त और ये मेरा भाई है तो अभी देख सकते हो आप तो आपको मैं दिखाती हूँ ये मेरे फैमिली जा रही है एक्चुअली आवाज ही आई मजे ले रहे हैं अभी।
देख सकते हो मतलब ये आप देख सकते हो बहुत मस्ती और मजा आ रहा है। और ये बूढ़ा तालाब का गार्डन है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, शाम टाकिस वाला पुराना है और जो उस तरफ आपको दिख रहा होगा वहाँ पर वो अभी जा रहे हैं। एक्चुअली विवेकानंद तो नहीं गाइस, मैं नाम भूल गई, सॉरी। मजा आ रहा है ब्रो, कैसा लगा? एकदम मूड फ्रेश हो गया ना। अरे गजब यार, यहाँ फोटो लेते भाई मजा आएगा। सब खराब हो गए तो मतलब नहीं, कहीं देखो ये इतना अच्छा फोटो के लिए होता पर यहाँ लोग खराब कर दिए। अभी जा रहे हैं मैं और भाई पैदल पैदल, फिर उसके बाद गर्म गर्म पाव भाजी खाएंगे एकदम फुल दवा के। चलो तो आना भाई, कहाँ गए लोग? ये लोग जरूर से ज्यादा दिख रहे हैं, देखो तो मजा आ रहा है ना। तो गाइस ये पेड़ है देखो आप, पूरा ये मेरा भाई खड़ा है सामने और ये पूरा बूढ़ा तालाब फैमिली आगे आगे जा रही है। और हाँ, और पीछे फाउंटेन हो रहा है मतलब फुहारा। ये हमारा क्यूट सा इवान, हे कहाँ ले जा रहे बेटू? तो कहाँ कहाँ? हाँ हाँ, और आ चुके पूरी फैमिली, तो अब बोटिंग करना चाह रहे हैं मतलब करने वाले हैं, तो अब देखते हैं क्या टिकट है क्या नहीं है। तो भाई तुझे कैसा लग रहा है? तो चलो मैं पूछ के आती हूँ। ये इवान बोटिंग करोगे? इवान बोटिंग करोगे? इवान लाइट के पास फोटो खिंचाओगे बेटा? यहीं पे खड़ा हो जाओ, फोटो लेंगे। गुड। तो गाइस हम वो क्या बोलना चाहिए, बोटिंग नहीं किए मतलब मौसम भी ठंडा है प्लस और बच्चे भी है साथ में और मम्मी भी है तो ठंडी लग जाएगी। हमारी मम्मी है भोली भाली सीधी सी, कहाँ गए यार इधर हो ना, तो इसलिए हम लोग नहीं किए। और एक पर्सन के हिसाब से भी देखा जाए तो भाई ठंडी है यार और इतना मौसम है ना। तो अभी जस्ट एक्चुअली थोड़ा दिन में आएंगे जब थोड़ा ठंडी कम लगे, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो गाइस अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। हाँ वो इंदौर स्टेडियम है ठीक है, वो बाकी ठीक है। यही गाना में प्रियंका डांस करेगी। ये बोला किसे पता है ऐसा? अच्छा और स्कूल के पेरेंट्स का और दीदी क्या किए थे डांस? और स्कूल टाइम में तो भाई बहुत इंजॉयमेंट था, अभी जब से कोरोना है तब से तो फिर खत्म है, तो अभी मजे ले रहे हैं। ये टूडू ये देखो, ये मेरी बहन है, खटारा गिटार है जिसके साथ फोटो लेना चाहती है ना। तो अभी देख सकते हो आप खटारे गिटार के साथ यार, कोई अच्छा नहीं लग रहा गिटार पूरा डल हो गया। तो भाई लोग हैं अभी हम जा रहे हैं, यहाँ तक हमारा सफर एक घंटा बहुत जितना एंजॉय करना था कर लिए, अब जा रहे हैं बहुत कस के, भूख लगी है पाव भाजी खाएंगे ये मोटी। तो गाइस अब जा रहे हैं पाव भाजी खाने, बहुत तेज भूख लगी है, काफी टाइम हो गया है ना ब्रो। तो अब क्या करना चाहिए? पाव भाजी, या यम्मी टेस्टी। भाई मैं एक प्लेट खाऊंगी कुछ भी हो जाएगा, और टेस्टी मिलता है भाई गोकुल भैया की पाव भाजी। नहीं तो वहाँ तक पैदल चले घूमते घूमते, मतलब कम से कम है थोड़ा दूर। तो और क्या करेंगे फिर? चले तो फिर पार्किंग रॉन्ग साइड हो जाएगा, वही तो बोलो। चलो पैदल, तो चलो देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस ये अपनी कार खड़ी है और सोच रहे अभी पैदल जाने के लिए। गाइस हमारा फोटो शूट हो चुका है, ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है XUV 500। तो अभी हम लोग बहुत मस्ती की है और वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं था तो गाइस मैं नहीं बना पाई, फैमिली थे पर बिजी थे हम लोग वीडियो बनाने में। और बाकी दो चिंगाड़ी कहाँ है?
तो अभी भूख लग रही है, फिर जाएंगे पाव भाजी खाएंगे और यहीं पर टाइम हो गया है 8:15। तो गाइस आप लोग को मैं मिलती हूँ। तो ये मेरी बहन वहाँ घूम रही है, ये तो ये मेरी बहन आ रही है फुल, ये मेरी बहन है। हेलो, तो अभी जाएंगे। सुनो, जैकेट वहाँ पे है, मेरे जैकेट। ये तो भाई कैसा लगा, आपकी बहन फोटो खींची तो आपका पूछ ना? ए भाई पोपट हो गए। मैंने पूछा कैसा लगा भाई आपकी बहन फोटो खींची तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया ना। तो इस बहाने कैमरा लेंगे। तो इवान, तो आप क्या कर रहे हो बेटा? ये हमारा इवान है जो एक्सरसाइज कर रहा है। कैसे कर रहे हो? ओहो, ये तो वाला है, ये तो गाइस। चलो भाई अब चलते हैं यार, फाइनल भूख लग रही है, पाव भाजी खाएंगे। अब बहुत हो गया मटर गस्ती, तो अब चलते हैं पाव भाजी खाने। तो गाइस इवान बलून देख रहा है अभी फिलहाल। पसंद आ रहा है इवान? दीदी इसी में उड़ा इवान, ये इवान छोड़ना नहीं, इवान छोड़ना। भैया के पास पहुंच गए हैं पाव भाजी खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ लाइट नहीं है, ये मेरा भाई पीछे बेसब्री से इंतजार कर रहा है भैया का। कितने महीने बाद खा रहा भाई? 6-7 महीना हो गया। आराम से, तो 6-7 महीना बाद खा रहे हैं। मैं भाई के लिए आई थी पाव भाजी खाने के लिए और मजा आ रहा है। ये तो गाइस पाव भाजी खा के आ चुके हैं, अब घर के लिए एंट्री लेंगे ना भाई। तो अभी जा रहे हैं और इवान ऑलमोस्ट। तो गाइस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये देखो आप देख सकते हो, चलो अब कार में बैठेंगे। ओए कहाँ जा रहा है भाई? भाई चल, तो फिर से फाउंटेन हो रहा है, मतलब म्यूजिक हो रही है, खड़ी फील हो रही है। और आपको मेरे जस्ट पीछे कोहरे दिख रहे होंगे, जाइए देखो क्या आप कोहरे हैं। तो मैं देखो कार के ऊपर आप देख सकते हो। अभी हमारा सफर खत्म होता है, अब चलते हैं अब घर। अब सब फैमिली बैठ चुकी है कार के अंदर, चल भाई जा पीछे जा। तो मैं अब चल रही हूँ। तो अभी घर चले। तो गाइस अब हम कार के अंदर आ चुके हैं, तो बैठ गए सब लोग। बोलो हाय गाइस। हाँ, और क्या क्या खाए बिट्टू आप? गुपचुप। और खाना पीना। और पाव भाजी नहीं खाए थे? नहीं, पाव भाजी। तो बिट्टू इतना जोर जोर से पटकोगे तो हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है अब? तो अब चलते हैं गाइस सब घर के लिए। बात बाकी होना है जो हो जाने दो। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत महफिल सनम ये महफिल गली है। हमारी फैमिली अब जा रही है। तो जा रहे हो भाई टिफिन लेने? तो ये लोग जा रहे हैं पूरे लोग, और हम लोग बस रुकेंगे है ना। तो भाई जा रहे हो यार, कैसा लग रहा है तो फिर यही रुक जाने में? कैसा लग रहा है हम लोग को घर छोड़ के जाने में? चलो चलो, मैं बोल रही हूँ चलो, मजा आई सही माँ। तो गाइस देख लो हमारी फैमिली हम लोग को मस्का लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सेटअप करना। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हो गई है, मेरा भाई मोड़ के जा रहा है गाड़ी। तो चलो गाइस हम लोग भी चलते हैं। रात बहुत हो गई है। यस, हम लोग भी जा रहे हैं टहलते टहलते अपने रूम तक, और नाइट भी बहुत हो गई है। तो गाइस अभी अब फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं, और नाइट भी बहुत हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो और फैमिली मेंबर भी जा चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज, बहुत मजा आया, इतना कि मजा आ गया। सेकंड टाइम गए थे ना दीदी, और एक बार गए थे ऐसे ही बाहर से आ गए, जब बिल्कुल मजा नहीं आया, मजा नहीं था। लॉकडाउन के बाद ही गए थे, और अभी अभी तो खैर और थोड़ा मजा आया।
अच्छा लगा। अब हम लोग सोचे दी और मैं जिम से निकलने के बाद वहीं बैठेंगे 5-10 मिनट के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, ताड़ा।